देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु धारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। विधायक संजय शुक्ला के द्वारा पवित्र सावन मास में आयोजित किए जा रहे भगवान शिव के रुद्राभिषेक के आयोजन में भाग लेने के लिए आज सुबह बरसते पानी में गीले होते हुए श्रद्धालु पहुंचे। इस आयोजन में जय शिव के जयकारे की जोरदार गूंज हुई। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला द्वारा एरोड्रम रोड पर स्थित नरसिंह वाटिका में आयोजित किए जा रहे भगवान शिव के रुद्राभिषेक महोत्सव में भाग लेने के लिए आज वार्ड क्रमांक 6 के नागरिक पहुंचे। इस वार्ड के अंतर्गत आने वाले महाराजगंज हुकुमचंद कॉलोनी और उसके आसपास के क्षेत्र के नागरिक सुबह 7 बजे बरसते पानी में गीले होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचे। कोई नागरिक छतरी लेकर आया था तो कोई रेनकोट पहनकर भी आया था। विधायक संजय शुक्ला की टीम के द्वारा सारी व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से संजोया गया था। जो नागरिक बरसते पानी में अपने आराध्य भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने की मंशा के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे थे, उन नागरिकों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। आज के आयोजन में करीब 3000 नागरिकों ने मंत्रों की गूंज के बीच भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। आयोजन स्थल पर विधायक संजय शुक्ला धर्मपत्नी अंजलि शुक्ला के साथ मौजूद थे और रुद्राभिषेक करने के लिए आ रहे नागरिकों से अपने स्वभाव के अनुरूप सहजता के साथ मिल रहे थे। इस आयोजन में श्रद्धालुओं के द्वारा जय शिव का जोरदार जयकारा भी लगाया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर राकेश गोपाल दास जी महाराज, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी, ठाकुर जितेंद्र सिंह, प्रेम खड़ायता, राकेश वर्मा, मुकेश यादव, प्रमोद जोशी, सुनील गौधा, गोपाल यादव, पवन जीन, सुरेश व्यास, दिलीप गर्ग, विजेंद्र चौहान, राकेश शास्त्री, गुड्डू वर्मा, राकेश निर्मल, विजय राठौर, संतोष राठौर, निर्मल राठौर, द्वारका राठौर, योगेंद्र मौर्य, अमित चौहान, रामकृपाल दादा, जीवन गौर उपस्थित थे। सावन का मेला ये 20 साल बाद आया ऐसा मौका, और 20 साल बाद हमने 21 दिन का रुद्राभिषेक रखा हुआ। हमारे 17 वार्ड है, 17 ही वार्ड में एक एक दिन का दिन रखा हुआ, और 2 दिन हमने एक्स्ट्रा रखा है। जो लोग नहीं कर पाए उसको लगातार एक वार्ड के अंदर हजारों आदमी रहता है, तो हमने 2 दिन एक्स्ट्रा भी रखे। और ये अभिषेक रहेगा, आज वार्ड क्रमांक 6 का है, लगातार ये 4th दिन हो गया हमारा अभिषेक, लगातार 3 तारीख तक चलेगा। 9 वार्ड का ये